Hello students, myself Tulika. In this video, I am going to revision of page number 6. The title of this poem is Morning is Here. पहले वीडियो में मैंने इस चैप्टर को पढ़ाया था. आज हम लोग इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे. मैंने ये भी बताया था कि हम लोग मॉर्निंग के टाइम में क्या क्या देखते हैं, अपने आसपास कौन कौन से चीज़ों को देखते हैं. नाउ फिर से मैं बता रही हूँ, मॉर्निंग के समय में हम लोग सन मीन्स सूरज, बर्ड्स मीन्स पक्षी, कॉक मुर्गा एंड बेड मीन्स बिस्तर, इन सारे चीज़ों को हम लोग सुबह सुबह देखते हैं. तो आज मैं इस पोयम को पढ़ना सिखाऊंगी. डब्ल्यू एच ई एन वैन टी एच ई द एस यू एन सन सी ओ M E S comes U P A. Again, repeat this line. W H E N when T H E the S U N sun C O M E S comes U P up. When the sun comes up means जब सूर्य ऊपर आता है. Second line is it's time to wake up. I T S it's T I M E time T O to W A K E wake U P up. Again I T S it's T I M E time T O to W A K E wake U P up. It's time to wake up. इसका मतलब जब सन ऊपर आता है या निकल जाता है तो उस समय हम लोगों को उठ जाना चाहिए. थर्ड लाइन इज गेट आउट ऑफ बेड. G E T गेट O U T out O F off B E D bed. Again G E T get O U T out O F off B E D bed. Get out of bed और अपने बिस्तर से बाहर आना चाहिए. Fourth line is A N D and S A Y say W H A T what M O M mom S A I D said. Again A N D and S A Y say W H A T what M O M mom S A I D said and say what mom said or मॉम से क्या कहेंगे.
GOOD गुड MORNING मॉर्निंग GOOD गुड MORNING मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और मम्मा आपसे क्या बोलेगी? गुड मॉर्निंग। जब हम लोग मम्मा को गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो मम्मा भी हमें क्या बोलेगी? गुड मॉर्निंग। सो अब हम लोग फिर से इस पोयम को एक बार पढ़ते हैं। When the sun comes up, it's time to wake up. Get out of bed and say, what mom said? Good morning. Means, जब सन बाहर आता है तो हम लोगों को भी उठ जाना चाहिए और बेड से बाहर आना चाहिए और मम्मा को क्या बोलना चाहिए? गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पेज नंबर 6 मॉर्निंग इज हियर का रिवीजन किया। आप लोग को इस पोयम को पढ़ने के लिए सीखना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।